नमस्कार दोस्तों, शान की जन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच एक नई रेसिपी को लेकर आई हूँ। आपने इसे कभी भी पहले ना खाया होगा ना देखा होगा, तो चलिए आज की टेस्टी नाश्ता को मैं बनाना शुरू करती हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नई नई रेसिपी को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी को मैं बनाना शुरू करती हूँ। मजेदार रेसिपी बनाने के लिए मैं बड़े कटोरे ले ली हूँ। बड़े कटोरे से एक कटोरी मैं गेहूँ का आटा ले ली हूँ। गेहूँ का आटा तो हर एक किचन में उपलब्ध रहता है। इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। 4-5 चम्मच मैं रिफाइंड को डाल देती हूँ। रिफाइंड डालने से हमारा रेसिपी खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। सूखे आटे को अच्छे से इसे मिला लें। आप इसे अच्छे से मिलाएंगे तो नमक और रिफाइंड जो है पूरी तरह से मिल जाएगी। ये रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करके देखें। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी को डालती हूँ और इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। आटा को मैं इसे सॉफ्ट आटा को अच्छी के तरीके से मैं इसे गूँथ लेती हूँ। आप पानी को धीरे धीरे डाल के इसे आटा को एकदम सॉफ्ट आटा आप अच्छे से गूँथ लें। मैं आटा को अच्छे से गूँथ ली हूँ। मैं सूखे आटा को थोड़ा सा लगा लेती हूँ और मैं आटे से लोई को बना लेती हूँ और इसे मैं एक गोल बॉल को मैं बना लेती हूँ। मैं बॉल को बना ली हूँ। धीरे धीरे करके मैं सारे बॉल को बना लेती हूँ। मैं सारे बॉल को बनाकर रख ली हूँ। अब मैं चलती हूँ। अब मैं एक बॉल को ले लेती हूँ, उस पर मैं सूखे आटा को लगा लेती हूँ। मैं इस पर सूखे आटा को लगा ली हूँ। ऐसे बेलन से मैं धीरे धीरे करके इसे रोटी के तरह मैं बेल लेती हूँ। रोटी तो बहुत पतली होती है, पर मैं इसे हल्का मोटे ही रखूँगी, ज़्यादा पतला मैं नहीं करूँगी। इसे अच्छे से मैं बेल के एक गोल बर्तन को मैं ले लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि आटा को आप इतना पतला रखें और एक गोल बर्तन को लेके ऐसे मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ये पूरा एकदम गोल बन गया है। और इसे बचा आटा को मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे मैं 4 भाग में चाकू से इसे काट लेती हूँ। आप इसे 4 भाग में अच्छे से इसे बराबर करके काट लें। 4 भाग के आप अलग कर दें और इसे बना लें। आप इसे ध्यान से बना लें। जो नोखी जो है मैं ऊपर की ओर रख रही, ऐसे ऊपर से मैं मोड़ लेती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मैं चारों को इसी तरह से मोड़ लेती हूँ। दोनों किनारों को मैं इसे हल्का चिपका लेती हूँ हाथ से और चाकू से मैं थोड़ा सा दबा के कि ये कटे नहीं, और इसे फूलों की तरह से मैं इसे ऊपर की तरह मोड़ लेती हूँ। ऐसे मैं चिपका लेती हूँ। आप इसे धीरे धीरे करके करें तो ये अच्छे से ये फूलों की तरह से बन जाएगी। तो मैं इसे बना ली हूँ। ये देखने में लग रहा है ना प्यारा। अब मैं चलती हूँ दूसरी डिजाइन को इसे बना लेती हूँ। मैं 4 लोई को लेके इसे लंबे शेप में बना ली हूँ। अब चारों को इसे सटा ली हूँ। अब बीच से मैं चाकू से दबा दी हूँ। ऊपर के 2 भाग को लेके मैं धीरे धीरे करके मोड़ के इसे चिपका लेती हूँ। फिर से मैं नीचे से दोनों को इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाके ऐसे भी मैं चिपका लेती हूँ। ये देखने में लग रहा है ना प्यारा। और ये इस दोनों का मैं अंदर की ओर से इसे मोड़ कर इसे भी चिपका लेती हूँ। इसी तरह से ऊपर के भी मैं इसी तरह से इसे बना लेती हूँ। ये देखने में लग रहा है ना कितना प्यारा। और ये बनाना ही बहुत ही आसान है। आप इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करके देखें। मैं रिफाइन को गर्म कर ली हूँ, इसमें मैं डाल देती हूँ। ऐसे डाल के आप धीमी आँच पर इसे अच्छे से पका लें और इस पे ऊपर से तेल को आप डाल दें। ऊपर से तेल डालने से हमारा जो ये रेसिपी है ये ऊपर से हल्का कड़ा हो जाएगा, तो ये पलटने से ये चिपकेगा नहीं और ये डिजाइन जो है ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे अच्छे से इसे पका लें और इसे धीमे ही आंच पे इसे अच्छे से सेकें।
जब तक कि ये पूरी तरह से ये पक नहीं जाए। तो आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखें, ये खाने में बहुत ही प्यारा लगेगा। अब मैं इसे अच्छे से पका ली हूँ, ऐसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखने में लग रहा है ना प्यारा, और खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। अब मैं दूसरों को भी इसी तरह से पका लेती हूँ। आप इसे धीमी आँच पर इसे अच्छे से पका लें तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं दूसरे डिजाइन को जो बनाई थी फूलों की तरह, इसे मैं तल लेती हूँ। इसे लो फ्लेम पर आप अच्छे से इसे छान लें। आप इसे अच्छे से छानेंगे तो ये कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगी। मैं दूसरे तरफ से भी इसे पलटा लेती हूँ। आपसे भी इसे बातें करते करते हमारा टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए, और एक बार इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो हमारी नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें।